हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रेवलर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल ट्रेवलर। तो आज हम अपने ड्रोन की टेस्टिंग करेंगे फ्लाइट, और आप देख सकते हैं सामने एक ब्यूटीफुल सा गांव पड़ रहा है जिसका नाम है धनपो। तो अब ड्रोन को लेके वहां पे जाएंगे और इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ड्रोन हमारा रेडी है, एयरक्राफ्ट ऑन हो चुका है, RC2 कंट्रोलर इज ऑल्सो रेडी। तो आप नजारा देख सकते हैं, देख सकते हैं ये ड्रोन अप्रोक्स 300 मीटर हॉरिजेंटली जा चुका है और आंखों से दिख नहीं रहा। इसको और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 100 मीटर के आसपास। ड्रोन 300 मीटर हॉरिजेंटली जा चुका है और 103 मीटर वर्टिकल में। तो अभी ये जो सामने गांव दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसका ड्रोन का फुटेज भी। इसको मैं पूरा गांव कैप्चर कर रहा हूं, और यहां पर एक मेन सड़क भी दिख रही है सड़क के पास। हम अपने DJI मिनी 4 प्रो ड्रोन की टेस्टिंग करेंगे नाइट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां का पूरा रात का ही सीन है, और यहाँ पर थोड़ी और लाइट्स हैं। आप जैसे देख सकते हैं नज़दीक में आके कि चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है, राइट। यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो अपन ने ड्रोन को ऑन करते हैं, सिंगल बटन, देन इमीडिएट पुश, ऑन हो चुका है। अब मैंने अपना DJI का कंट्रोलर भी ऑन कर दिया, तो इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नाइट का सारा सीन यहाँ पे दिख रहा है, और यदि मैं करूँ तो यहाँ पर अपना रिजॉर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो नाइट में भी इसके फुटेज गुड, काफ़ी हद तक क्लियर हैं और सारी चीज़ें इसमें आ जा रही हैं। तो अब इसको मैं हल्का सा नाइट में इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल हियर। तो कुछ इस तरह से रिजॉर्ट दिख रहा है अभी। अब इसकी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे। जब रिकॉर्डिंग करनी होती है तो आपको क्या करना होता है, स्क्रीन को नीचे कर लेना होता है और यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन दबा दोगे, तो जो भी ये फुटेज है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाएगी इस पे। अब मैं इसका 360 व्यू ले रहा हूँ, सिनेमेटिक व्यू में हल्के से रोटेट करके। तो इस तरह से कुछ रिजॉर्ट दिख रहा है अपना। तो फोटोग्राफी देखें तो बहुत हद तक क्लियर है, एज पर एक्चुअल है, 4K60 पे शूट हो रहा है, परफेक्ट। तो बहुत बेहतरीन पिक्चर्स हैं यहाँ पे। तो जब भी आपको नाइट में फोटोग्राफी करनी है तो रेकमेंड ये है कि आप इस 4 प्रो को ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट फुटेज है एज पर एक्चुअल आपको दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसको कॉल कर लेता हूँ अपने पास, तो रिटर्न टू होम। तो इस तरह से आपको दिखाता है नाइट विजन, बिल्कुल होम लोकेशन पे आ जाएगा।
सिंगल बटन में ऑटो पोजीशन, क्योंकि इसमें एक एरर आ रहा है, कंपास कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट राइट अनेबल टू टेक ऑफ, तो मुझे इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जब ये आगे मतलब लैंड हो गया था, इसको सडनली उठा लिया गया था, इस वजह से ये अब नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि मैं इसको इस वाले मोड में भी डालता हूँ तब भी ये चल नहीं रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, और इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है, मैनुअल किसी भी नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे कंपास को कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत है। अब कैलिब्रेशन करने के लिए आपको इसमें अगेन प्रोसेस है, तो यदि स्टार्ट कर लूँ तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे इसको एयरक्राफ्ट को लेके तो फिर फाइनली देखा कि इस मिनी 4 प्रो का नाइट टेस्टिंग सक्सेसफुल रहा हुआ, इसने सक्सेसफुली अपने आप को पिक किया, और नाइट में जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तो अपनी सिग्नल भी दे रहा है, जिससे आपको पता चल सके विजुलाइजेशन में कि ड्रोन कितनी दूर है, और अभी कभी तेज़ हवा चल रही है उसके बावजूद भी अपने को सेट कर लिया है यहाँ पे, और पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है, देख सकते हैं 4K60 पे कुछ इस तरह का लिया। तो अपने ओवरऑल रिकमेंडेड है आपको ये ड्रोन फॉर नाइट शूटिंग के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। Let's see. No, let's see.